आज हमने एक रिग बनाया है जिसके अंदर हमने यूज किया हुआ है G4 GTX 1660 Super का कार्ड, जो कि 6GB का कार्ड आता है और इसके अंदर हमें हैश रेट मिलती है 30 MHz की। और जो हमने मदरबोर्ड यूज किया हुआ है वो आसूस का 1100MK मदरबोर्ड, जो कि गेमिंग मदरबोर्ड है और ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड माना जाता है गेमिंग के लिए। तो ये हमने यूज़ किया जिसके अंदर 3 PCIe स्लॉट अवेलेबल है, यानी कि हम इसके अंदर टोटल 3 ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर सप्लाई हमने यूज़ किया हुआ है गीगाबाइट का P550B, जो कि 550 वाट का है और ये हमें पड़ा हुआ है 3700 रुपये का। कलरफुल का ये हमारा जो 1660 सुपर का जो कार्ड है, ग्राफिक कार्ड, ये हमें पड़ा हुआ है 48,000 का विद GST और मदरबोर्ड हमें पड़ा हुआ है 5,500 रुपये का विद GST। और प्रोसेसर हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है i3 7th generation, क्योंकि ये इसके साथ में कंफर्टेबल है। रैम हमने यूज़ किया हुआ है DDR4 4GB रैम। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारे मैंने लिखा है और इसको हम अभी अपने रिग को कैसे इंस्टॉल किया है वो देखते हैं। तो अभी हम अपने रिग को देखते हैं जिसके अंदर हमने ये देखिए ये इंस्टॉल किया हमने 1660 सुपर का GTX GeForce का कार्ड, जो कि कलरफुल कंपनी का है और मदरबोर्ड नीचे इंस्टॉल किया हुआ है और छोटा सा हमने एक रिग का स्टैंड बनाया हुआ है, ये इसे आप मिनी रिग बोल सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं पूरी रिग चल रही है और मैं आपको थोड़ा सा हैश रेट दिखा देता हूँ कि क्या इसकी हैश रेट आ रही है और हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी क्या नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 29.09 की हैश रेट है। ये हैश रेट अभी स्टार्टिंग है, इसलिए अभी इतनी 29 आएगी, थोड़ा सा कार रन हो जाएगा उसके बाद में ये 30 के ऊपर आपको हैश रेट मिलेगी। टेम्परेचर हमारा 42 डिग्री है, जो काफ़ी कूल है, कार काफ़ी स्मूथ चल रहा है। 85% की हमने यहाँ पर फैन की स्पीड रखी है और ये कार टोटल 73 वाट का पावर कंजम्पशन करता है, तो बिल्कुल बजट कार है। मैं मानता हूँ कि रिग के अंदर अगर आप बेसिक से शुरुआत करते हैं तो ये कार लेके आप काफ़ी अच्छे छोटे से बजट के अंदर भी अपना रिग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम अपने मिनी रिग की कॉस्टिंग देख लेते हैं। 75,000 टोटल कॉस्टिंग इसकी आई है और इसके अंदर हमें इथेरियम माइनिंग के अंदर 30 MHz हैश पावर मिल रहा है। आज की डेट के अंदर जब बिटकॉइन की प्राइस $42,000 के आसपास है और इथेरियम की प्राइस $3,000 के आसपास है, तब इस रिग से हमें पर डे की अर्निंग मिलती है $1.3 के आसपास, और जो कि पूरे महीने का होता है आपका $40 और इंडियन रुपीज़ के अंदर ये ₹3,000 हुआ। जब इथेरियम की प्राइस $3,000 है तब आपको महीने के एक कार्ड से मिलेंगे ₹3,000, और अगर इथेरियम की प्राइस अगर $4,000 पहुँच जाती है तो आपको महीने के ₹4,000 मिलेंगे, और ₹5,000 पहुँचती है तो आपको ₹5,000 पर मंथ की इसमें अर्निंग आपको मिलेगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी बात करते हैं टैक्स की। हाल ही में जो अनाउंसमेंट हुई है, हमें 30% टैक्स चुकाना है हमें क्रिप्टो से जो भी अर्निंग आती है उसके अंदर। तो अभी माइनिंग के अंदर हम इस रिग का टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें? मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको टैक्स चुकाना है आपके प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि आपने यहाँ पर ₹75,000 इन्वेस्ट किए हैं और ₹75,000 के ऊपर आप अगर कुछ भी कमाते हैं तब जाके उस अर्निंग के ऊपर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, और वो आपको 30% चुकाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो भी क्रिप्टो रेगुलेशन एस्टैब्लिश हो जाती है उसके बाद जब ये टैक्स लागू हो जाएगा, इस साल में तो नहीं होगा, अगले साल में होगा, लेकिन जब भी होता है तब आपके हर एक पे आउट में से अगर डिटेक्ट हो भी जाता है टैक्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट इतना किया है और उसके ऊपर आपने इतना कमाया है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब अपनी ITR फिल कर रहे हो, जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हो, तब आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी अर्निंग दोनों को आप दिखा पाए और आपके डिडक्टेड अमाउंट को आप वापस ले पाए। तो ये बात की बात है, अभी तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पहले तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को वापस निकालोगे, उसके बाद जो अर्निंग आएगी उसके ऊपर आप टैक्स चुकाओगे, और ये टैक्स 30% नहीं रहेगा, रिड्यूस होने के चांसेस भी हैं।
तो जो लोग माइनिंग में आना चाहते हैं और 30% टैक्स से घबराते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको टैक्स तब चुकाना है जब आपने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाया है तब। और प्रॉफिट और लॉस का जो भी सेटलमेंट है वो आप क्रिप्टो का है तो क्रिप्टो में कर पाओगे, उसको किसी और बिजनेस के अंदर आप नहीं कर पाओगे। तो क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग के फील्ड के अंदर कुछ चेंजेस आया हुआ है टैक्स को लेकर के, तो उसका डिस्कशन हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करना है। तो देखते रहे वोक्स क्रिएशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।